हेलो बच्चों बच्चों, आई होप आप सबका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा और अपने क्लास 11th की तैयारी आप जमकर कर रहे होंगे। अगर किसी ने भी अभी तक हमारी इस रिवीजन वीडियो सीरीज़ से पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करा है तो सबसे पहले तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो और इसमें हम जो क्विक रिविजन्स करते हैं अपने सारे चैप्टर्स का, वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर। तो सर, आज आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाने वाले हो? बच्चों, आज हम रिवाइज़ करेंगे आपका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिसका क्वेश्चन बिल्कुल श्योर शॉट है आएगा, वो टॉपिक। इस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और इस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर जितनी भी बातें हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बोल देता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर 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 शेयर करें। चलिए सर, तो शुरू करते हैं जी। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मेनली, जो हमें आज पढ़ना है। तो देखो, इसमें कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले इसमें एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम था एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी दी जो थी यूटिलिटी। अब लोगों ने पूछा उनसे कि भाई यूटिलिटी ये क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि जब हम कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, कमोडिटी मतलब कोई भी गुड, कोई भी सामान, लेट से हम सिंप्लिसिटी के लिए एप्पल ले लेते हैं। अब तो अगर आप कोई भी एप्पल कंज्यूम करते हो, आप एप्पल खाते हो, तो आपको मज़ा आता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो उन्होंने इस मज़े को, इस सेटिस्फैक्शन को बोल दिया कि हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, जिसको यूटिलिटी कहेंगे। तो थी तो अटपटी बात, लेकिन हमारे लिए इसी को यूटिलिटी कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि यूटिलिटी जो है, एक एप्पल खाने पर आपको मिली 10 यूटिल्स, तो दूसरा एप्पल खाने पर आपको मिलेगी 8 यूटिल्स। अब इसका क्या लॉजिक है? तो एल्फ्रेड मार्शल ने हमें ये समझाया है कि एक साइकोलॉजिकल लॉ काम करता है। मैं पहले दिखाता हूँ आपको, ये लॉ हमने लिखा पढ़ा था, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक एप्पल कंज्यूम करते रहेंगे, तो जो हमें मज़ा मिल रहा है, जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसी चीज़ को उन्होंने एक लॉ बोल दिया जिसका नाम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो बेसिकली ये यूटिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट देने वाले जो महारथी थे, इनका नाम था एल्फ्रेड मार्शल। अब इसमें दो टर्म्स और बन गए, एक का नाम है टोटल यूटिलिटी, एक का नाम है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब हम सारे ही यूनिट्स की यूटिलिटीज़ को जोड़ लेते हैं तो उसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब आप एक के बाद एक, एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, तो एडिशनल यूटिलिटी आपको कितनी मिली उस एक्स्ट्रा एक यूनिट को कंज्यूम करने में। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमने अपने टेबुलर फॉर्मेट में बनाया भी था। तो लेट से मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल करवाया था कि मान लेते हैं हमारे एप्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार हम कंज्यूम करते हैं। तो एप्पल्स को लगातार कंज्यूम करने से जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10, 8, 5, 2, 0 और -3 तक पहुँच गई। अब इसमें जब यूटिलिटी 0 पहुँच जाती है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी या पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। लेकिन अगर हम इन्हीं यूटिलिटीज़ को जोड़ें, ऐड करें, तो अलग अलग लेवल्स पर हमें टोटल यूटिलिटी पता लग जाएगी। जैसे फर्स्ट यूनिट पर तो 10 ही रहेगी, लेकिन उसके बाद हो जाएगी 10 + 8 = 18, उसके बाद हो जाएगी 18 + 5 = 23, उसके बाद हो जाएगी 23 + 2 = 25, 25 + 0 पर 25 ही रहेगी, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है टोटल यूटिलिटी की। एंड देन क्योंकि 25 के बाद मार्जिनल यूटिलिटी कम हुई है, -3 हुई है, तो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 22। अब इसी से इनका हम डायग्राम और रिलेशन बना सकते हैं, और एग्जाम में पहला क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का यही है कि TU और MU का रिलेशन क्या होता है। तो उसके लिए आप ये डायग्राम का यूज़ करना और इन तीन पॉइंट्स को अवश्य लिखना जो हमने आपको बताए थे। डायग्राम कुछ ऐसा होता है, पहले डायग्राम दिखा देता हूँ। टोटल यूटिलिटी हरे रंग वाला कर्व ऊपर बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट से, मैक्सिमम पर पहुंचकर फिर वो फॉल हो जाता है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो कर्व है लाल कलर का, वो लगातार नीचे जाता रहता है। पहले पॉजिटिव जोन में रहता है, फिर जीरो पर टच करता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। मज़ेदार बात यह है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगा तो वो बिल्कुल उस पॉइंट पर होगा जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है। यही तीन बातें हम रिलेशन में लिखते हैं कि व्हेन एमयू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, टीयू इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। When MU is equal to zero, TU is maximum. When MU is negative, तो TU starts falling. तो बेसिकली ये हमारे TU और MU पर आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति भी थे जिनका नाम था JR हिक्स, जो वैसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उनका ये मानना था कि यूटिलिटी एक
ऑर्डिनल चीज़ है। ऑर्डिनल का मतलब होता है जब बच्चों हम कोई रैंक देते हैं, जब हम प्रेफरेंस देते हैं दो चीज़ों के बीच में। मान लो मैंने बोला एप्पल या ऑरेंज, तो आप कहोगे सर एप्पल ज़्यादा अच्छा लगता है, या मैंने कहा पिज़्ज़ा और बर्गर, आपने कहा सर मुझे बर्गर ज़्यादा अच्छा लगता है। इस चीज़ को बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट J.R. हिक्स ने दिया था, जिनका मानना था कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपनी रैंक्स दे सकते हैं, अपने प्रेफरेंस बता सकते हैं। उनकी अप्रोच अलग थी। तो इसीलिए चैप्टर दो भाग में डिवाइड हो गया। एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो एल्फ्रेड मार्शल की है, उन्होंने अपनी कहानी दी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, और एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो J.R. हिक्स ने कहानी दी, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये बेसिकली चैप्टर का एक तरह से इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं एल्फ्रेड मार्शल की अप्रोच, और आखिर सर ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, हमें वो बताओ। तो देखो बच्चों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ अजम्पशंस जो एल्फ्रेड मार्शल ने कहा उन्हें लर्न करना है, जो हमने लिखे थे नोट्स के अंदर। हमने कुछ अजम्पशंस मेंशन करी थी कि यूटिलिटी मेजर हो सकती है, ठीक है, कोई भी यूटिलिटी कोई भी क्वालिटी में चेंज नहीं होगा गुड की, ठीक है, मतलब कि हर एप्पल सेम होगा, और कंजम्पशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि अगर आपने एक एप्पल अभी खाया तो उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ऐसा नहीं कि पहला एप्पल तो सुबह 5 बजे, अगला एप्पल शाम को 6 बजे, वो नहीं चलेगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। तो ये कुछ अजम्पशंस थी बेसिकली एल्फ्रेड मार्शल की। बाकी हाँ, कंज्यूमर रैशनल रहेगा, ये बात तो हम पूरे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, यानी कि कंज्यूमर को अपने लिए सबसे ज़्यादा फायदा चाहिए। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, आइए उसको देखते हैं। वन नंबर की इसकी डेफिनेशन हमसे पूछता है कि ये क्या होता है। तो देखो, हमने लिखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, सिंपल, जहाँ पर कंज्यूमर को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो एल्फ्रेड मार्शल की अप्रोच जो है, यूटिलिटी अप्रोच, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक में उन्होंने कहा कि अगर कंज्यूमर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट कंज्यूम करे तो क्या होगा, और दूसरे में उन्होंने कहा कि अगर वो दो गुड्स कंज्यूम करे तो क्या होगा। तो पहले हम सिंगल गुड की बात करते हैं। तो सिंगल गुड के अंदर अजम्पशंस तो हमने पढ़ी ली, वो सेम ही रहेंगी, लेकिन सिंगल कमोडिटी के अंदर उन्होंने एक हमें कंडीशन दी जो आपको याद रखनी है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो उन्होंने एक सिंपल सी कंडीशन दी, MU इज इक्वल टू प्राइस। दोबारा बोलो, MU इज इक्वल टू प्राइस, यानी कि जो भी मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के बराबर हो। अब मार्जिनल यूटिलिटी किसकी, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी की। अब कुछ जगहों पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, जो सेकंड स्टेप में आपको दिख रहा होगा, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब है MU ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय MU ऑफ रुपी, यानी कि प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय रुपी की मार्जिनल यूटिलिटी। रुपी मतलब एक रुपए, कि एक रुपए में कितने यूटिल्स मिल सकते हैं हमें, तो उसको हम बोलते हैं MUR। तो अब इसको हमने एक छोटे से टैबुलर एग्जांपल से समझा था, वो भी आपको दिखाता हूँ कि ये कंडीशन कैसे यूज हो सकती है कि MU इज इक्वल टू P, यानी कि MUX इज इक्वल टू PX, ये कंडीशन से कैसे हमें इक्विलिब्रियम पता चलेगा। तो देखो बच्चों, हमने इसके लिए एक शेड्यूल आपको बनवाया था, लेट से वो दोबारा आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ। मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके अपने गुड्स को कंज्यूम करते हैं और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है 10, 8, 6, 4, 2, 0 MUX। अब हमने यहाँ एज्यूम कर लिया है कि 1 रुपी में 2 यूटिल्स मिलते हैं, यानी कि MUR हमने एज्यूम कर लिया कि लेट से 2 रुपए है। तो हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को निकालने के लिए, जो मैंने बताया था सेकेंड स्टेप का फॉर्मूला है, वीडियो को रिवाइंड करके देखना, MUX अपॉन MUR, अगर हम उससे MUM की वैल्यू निकालें तो थर्ड कॉलम में आपकी वैल्यूज आएंगी 10 upon 2, 5, 8 upon 2, 4, 6 upon 2, 3, 4 upon 2, 2 or 0 upon 2, 2 upon 2, 1 or 0 upon 2, 0। फिर हमने एज्यूम कर रखा था कि लेट से हमारे एप्पल का प्राइस है 3 रुपए, हमने एज्यूम कर लिया कि हर एप्पल 3 रुपए का है, तो लास्ट कॉलम है हमारा एक्चुअल प्राइस 3 रुपए, 3, 3, 3, 3, 3। तो बस देखो जी, एल्फ्रेड मार्शल की कंडीशन है जब MUM और प्राइस बराबर हो। रिपीट कर रहा हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी मनी के टर्म्स में किसके बराबर हो, PX के। इसका कमेंट नीचे कर देना ताकि पता लगे आप यहाँ तक पहुँच पाए थे। MUM किसके बराबर हो, PX के। और MUM का फॉर्मूला दोबारा बोल रहा हूँ, MUX अपॉन MUR, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सिंपल भाषा में, अगर आपको इतने कॉम्प्लेक्स बातें ना याद रहें या आपके स्कूल में ना करवाई हो, तो आप सीधा MU
एक्स या एम यू इज इक्वल टू पी, इतना लिख देना। अब इसी चीज़ को डायग्राम पर कैसे शो करते हैं? जब हम इसको डायग्राम पर शो करते हैं तो हम दिखाते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है एम यू का, और हम दिखाते हैं कॉन्स्टेंट कर्व जो है पी एक्स का। तो जो ई पॉइंट है जहाँ पर मैंने हरे रंग का हाथ का निशान बना रखा है, मतलब कि जहाँ पर एम यू और पी दोनों बराबर हैं, उसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर तीन यूनिट्स कंज्यूम करेगा, 3 इज़ द आंसर। लेकिन उससे पहले का जो एरिया है जो येल्लो कलर से आपको दिख रहा है, जब एम यू एम की वैल्यू ज़्यादा है उसे कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। लेकिन जो आप ब्लू कलर से देख रहे हो जिसमें एम यू एम की वैल्यू कम है उसको कहते हैं लॉसेस। तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये इसकी चित्रकारी है, ये इसका शेड्यूल है, और कुल मिलाकर सिंगल कमोडिटी में ये कंडीशन है जो हमें याद रखनी है, दैट इज़ एम यू इज इक्वल टू प्राइस। अब इसमें दो पॉइंट्स मेंशन करने बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। कभी कभी एम यू ग्रेटर होता है प्राइस से, तो ऐसे में कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ गुड एक्स। और अगर वाइस वर्सा, अगर एम यू की वैल्यू कम है प्राइस से, एम यू इज लेस देन पी एक्स, तो फिर उस केस में हम कहते हैं कि कंज्यूमर को डिक्रीज करना चाहिए अपना कंजम्पशन गुड एक्स का। तो वो दो पॉइंट्स ऊपर हमने मेंशन कर रखे हैं। तो देयरफॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो एम यू इज इक्वल टू पी है, ये है फाइनल कॉन्क्लूजन। तो ये है आपकी सिंगल कमोडिटी अप्रोच। अच्छा, अब आते हैं दूसरी अप्रोच पर, टू कमोडिटीज अप्रोच, यानी कि इस बार कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम करता है, पिज़्ज़ा भी और बर्गर भी। तो फिर कैसे पता चलेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? तो इसमें हमारी अजम्पशंस तो सेम ही हैं, डेफिनेशंस भी सेम ही हैं, बस कंडीशन जो मेन है वो आपको याद रखनी है, वो वाली एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड, या एम यू ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड। तो वो भी अगर ना लिखो एग्जाम में तो वो भी छोड़ दो, खाली इतना लिख लेना येल्लो वाला, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो ये आपकी मेन कंडीशन है। अब इसको देखो, हम डायग्राम पर नहीं शो करते, इसका डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल से हम समझ लेते हैं कि भाई क्या हो सकता है। तो देखो, एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल दिखा देता हूँ आपको जो हमने यहाँ पर अपने समझने के लिए बनाया था। लेट से, ये सब तो छोटे छोटे पॉइंट से, तो एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल जो है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि मान लो पिज़्ज़ा का प्राइस है 2 रुपये, बर्गर का प्राइस है 1 रुपये, और हमारे पास मनी इनकम है 18 रुपये। तो ये हमने क्वेश्चन करा था जिससे हमने पता लगाना था कि बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो देखो कैसे करना है। बहुत सारे हमें पिज़्ज़ा के यूनिट्स दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उनका एम यू एक्स दे रखा है 56, ये। इसी तरह बर्गर के बहुत सारे यूनिट्स दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक, और बर्गर का एम यू वाई दे रखा है 32, 29, 27, 23। तो हम क्या करते हैं, हम बर्गर के एम यू एक्स को डिवाइड करते हैं बर्गर के प्राइस से, और पिज़्ज़ा के एम यू वाई को डिवाइड करते हैं मतलब पिज़्ज़ा के प्राइस से। तो हमारे दो मेन कॉलम्स बन जाते हैं, जो आप लास्ट के दो कॉलम्स देख रहे हो, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स मतलब पिज़्ज़ा वाला एम यू एक्स डिवाइड बाई पिज़्ज़ा का प्राइस, और एम यू वाई अपॉन पी वाई यानी कि बर्गर वाला एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो वो कुछ वैल्यूज़ वहाँ पर आपको निकली हुई दिख जाएंगी, 28, 21.5, 21, 20, 16, 13, 9, 5, 3, 1, ऐसे। इसी तरह एम यू वाई अपॉन पी वाई भी निकला हुआ दिख जाएगा। अब हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। तो देखो, तीन कॉम्बिनेशंस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर वैल्यूज़ इक्वल है। एक है 20, 20 येल्लो वाली, एक है 16, 16 ब्लू वाली, और एक है 5 और 5 ग्रीन वाली। अब कंज्यूमर कितने बर्गर कितने पिज़्ज़ा खाए ये कैसे पता चलेगा? तो देखो, ये जो 20-20 वाला कॉम्बिनेशन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 20-20 कॉम्बिनेशन का मतलब है 4 पिज़्ज़ा और 5 बर्गर। हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर जो 4 पिज़्ज़ा और 5 बर्गर खरीदने में खर्च कर रहा है, क्या उसके पास उतने पैसे हैं? तो हमने यहाँ एज्यूम कर रखा है कि लेट से मनी इनकम है 18 रुपये। तो अगर कंज्यूमर, देखो, 4 पिज़्ज़ा और 5 बर्गर खरीदता है तो उसका टोटल खर्चा आएगा 13 रुपये का। तो उसके आगे क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब कंज्यूमर को ये कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अब तीसरा कॉम्बिनेशन देखना। तीसरे कॉम्बिनेशन में जहाँ ग्रीन और ग्रीन था, वहाँ पर थे 8 पिज़्ज़ा और 10 बर्गर। अगर कंज्यूमर 8 पिज़्ज़ा और 10 बर्गर खरीदता है तो उस केस में उसका टोटल एक्सपेंडिचर आएगा 26 रुपी
वो खर्च नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 18 रुपये हैं। फिर आप दूसरा कॉम्बिनेशन देखना, ब्लू कलर वाला, जिसमें 16 और 16 वैल्यूज़ बराबर थी। इसका मतलब था 5 पिज़्ज़ा और 8 बर्गर। तो अगर कंज्यूमर 5 पिज़्ज़ा और 8 बर्गर कंज्यूम करता है तो उस केस में उसका टोटल एक्सपेंडिचर है 18 रुपये। तो इसका मतलब कंज्यूमर को ये कॉम्बिनेशन ही चूज़ करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर उसका जो टोटल का खर्चा है 18 रुपये वो उसकी मनी इनकम के बराबर बन रहा है। तो ये मतलब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखा दिया मैंने आपको कि कैसे इस पर बेस्ड आ सकता है। लेकिन मुद्दे की बात फिर से वही, आपके लिए मेन कंडीशन क्या है टू कमोडिटीज़ में, दोबारा अगेन सुनना ध्यान से, MUX/PX बराबर होना चाहिए MUY/PY के, और ये उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है। तो ये मतलब हम समझ गए कि कैसे क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। अच्छा, तो ये हो गई कहानी। अब देखो जी, अब इसमें दो पॉइंट्स हमें कवर करने बच्चों बहुत ज़रूरी हैं, जो मैंने आपको लिखवाए भी थे, खाली कंडीशन लिखकर नहीं छोड़ना। पहला पॉइंट है, अगर MUX/PX ग्रेटर होगा MUY/PY के, है ना, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, तो क्या है? तो हमें ये लिखना होता है कि अगर MUX/PX ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर को अभी एक्स गुड ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, और तब तक कंज्यूम करते रहना चाहिए तब तक दोनों ये बराबर ना हो जाए। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। इसी तरह इसका वाइस वर्सा पॉइंट टू, कि अगर मान लो MUX/PX लेस है MUY/PY से, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर ने गुडेक्स ज़्यादा कंज्यूम कर लिए, अब उसे गुडेक्स का कंजम्पशन कम करना चाहिए, या इनडायरेक्टली गुड वाई का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए, तब तक करना चाहिए जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। तो ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम में आपको मेंशन करना, देखो बच्चों, बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस अप्रोच की आपका क्वेश्चन आता है तो आप इसकी डेफिनेशन लिखना, इसकी अजम्पशन लिख सकते हो, लेकिन इसकी कंडीशन ज़रूर लिखना, और एक टैबुलर फॉर्मेट से आप चाहो तो समझा सकते हो, जो मैंने वो क्वेश्चन वाला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों कंडीशनों को बताना कि भाई देखो, ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, कम होगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, अल्टीमेटली कंज्यूमर दोनों को बराबर करने तक पहुँच जाएगा। तो ये बेसिकली मतलब हमारा यूटिलिटी अप्रोच का पूरा कार्यक्रम था अल्फ्रेड मार्शल का। अब चलते हैं अगले पर, लेकिन अगले पे से पहले यहाँ तक वीडियो पूरी देखिए और पसंद आई है, रिवाइज करा है अच्छे से, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, बहुत अच्छा लगता है। चलो जी, लॉ ऑफ मार्जिनल इक्विलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये उसी को बोलते हैं जो कंडीशन थी, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा पॉइंट था। अब है जी J.R. हिक्स की अप्रोच, ये ईजी है। क्यों सर, ये ईजी क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही बात है जो J.R. हिक्स ने कही, लेकिन हाँ, उसको पूरा समझने के लिए इसमें हमें कुछ टर्म्स का पहले पता होना चाहिए। तो इसमें एक टर्म होता है बंडल, सबसे पहला कि बंडल किसे कहते हैं। तो दो कमोडिटी के मतलब सेट को बंडल कहते हैं। भाई मान लो एक थैला है, इस थैले में एप्पल भी है, ऑरेंज भी है, तो सेट ऑफ टू कमोडिटीज इज बंडल। दूसरा होता है बजट सेट। बजट सेट का मतलब होता है वो सारे अलग अलग बंडल्स जो आप खरीद सकते हो, इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल बंडल्स, तो वो होता है बजट सेट। इसी से तीसरा बनता है बजट कॉन्स्ट्रेंट। बजट कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कि जो आप मैक्सिमम खर्च कर सकते हो, यानी कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर शुड बी लेस देन इक्वल टू मनी इनकम। तो इसकी एक कंडीशन है P1 × X1 + P2 × X2 लेस देन इक्वल टू M। P1 मतलब प्राइस ऑफ गुड वन, X1 मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड वन, P2 मतलब प्राइस ऑफ गुड टू, और X2 मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड टू। चौथा होता है बजट लाइन। अब ये क्या डिनोट करता है, देखो हमने एक छोटा सा टैबुलर फॉर्मेट बना रखा है कि आप अलग अलग गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन ले लो, लेकिन आपका एक बजट होता है कि भाई मैं 20 रुपये ही खर्च कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं है। तो बजट लाइन आपका बजट डिनोट कर रही है एक तरह से कि आप मैक्सिमम इतना ही खर्च कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, तो इसको बोलते हैं बजट लाइन। तो जब आप अपना पूरा रुपया खर्च करते हो, पूरी इनकम खर्च करते हो, तो उसको जब हम कर्व पर शो करते हैं तो वो बजट लाइन बन जाती है। तो बजट लाइन की इसलिए इक्वेशन है PX × X1 + P2 × X2 = मनी इनकम। अब इसका स्लोप का फॉर्मूला याद रखना है कि बजट लाइन के ढलान को क्या कहते हैं, स्लोप को। तो इसका फॉर्मूला है प्राइस ऑफ गुड वन डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड टू, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, और जिसको बहुत ही यूनिक शब्दों में कहते हैं मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज।
तो दूसरा कमेंट चलो यही कर दो कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, ठीक है, अपने दोस्त से पूछना, उसको शायद ना पता हो, इसको बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। अब बजट लाइन क्या शिफ्ट भी होती है? यस, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बजट लाइन बिल्कुल पीपीसी की तरह राइट में भी जा सकती है, लेफ्ट में भी जा सकती है। राइट में जाने के दो कारण होंगे, पहला कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए या दोनों गुड सस्ते हो जाएं, सिंपल। और लेफ्ट में आने के भी दो कारण हो सकते हैं कि कंज्यूमर की इनकम कम हो गई या दोनों के गुड्स बढ़ गए, दोनों गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए। तो बजट लाइन लेफ्ट या राइट दोनों जगह शिफ्ट हो सकती है। अब आता है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि अगर किसी कंज्यूमर को अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए जाएं गुड्स के, लेकिन उसको हर कॉम्बिनेशन में सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मज़ा बराबर का आ रहा है कि भाई एक बर्गर 10 पिज़्ज़ा या दो बर्गर 8 पिज़्ज़ा या तीन बर्गर 5 पिज़्ज़ा, तो मज़ा बराबर आ रहा है। तो इन अलग अलग कॉम्बिनेशंस को जिस पर सेम सेटिस्फैक्शन मिले, जब हम उसे कर्व पे प्लॉट करते हैं तो ये कर्व कहलाता है इनडिफरेंस कर्व। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शेप ध्यान रखना बच्चों, इसकी शेप होती है कॉन्वेक्स, थोड़ा सा जैसा आप देख रहे हो ना वहाँ पे, कॉन्वेक्स होती है इसकी शेप। और इस कर्व के स्लोप को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये याद रखना है। बिल्कुल जस्ट लाइक पीपीसी, पीपीसी के स्लोप की तरह, बस नाम अलग है इसका, फॉर्मूला है सेम, डेल्टा गुड्स सैक्रिफाइज्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा गुड्स गेन, जो आप यहां पर देख रहे हो। तो ये इनडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, और क्योंकि इसका स्लोप डिमिनिशिंग होता है तो इसीलिए कर्व कॉन्वेक्स बनता है। कैसा बनता है? कॉन्वेक्स बनता है। तो ये इसका खैर मतलब था इनडिफरेंस कर्व और उसके स्लोप का। बाकी वन नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या है, तो बच्चा कहता है सर मोनोटॉनिक प्रेफरेंस, हाँ मोनोटॉनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर आपके सामने दो थैले हैं, एक में है 10 बर्गर 9 पिज़्ज़ा और एक में है 9 बर्गर 9 पिज़्ज़ा, तो आप कौन सा थैला उठाओगे? तो बच्चा कहता है सर मैं 10 बर्गर 9 पिज़्ज़ा वाला थैला उठाऊंगा। यस, इसी को मोनोटॉनिक प्रेफरेंस कहते हैं। तो मोनोटॉनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है जब आप कोई ज़्यादा की तरफ भागते हो, दैट इज मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। तो ये हो गया मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। अब देखो मुद्दे की बात, सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? तो देखो जेआर हिक्स ने क्या बोला, अजम्पशंस वो तो सेम ही है, आप थोड़ा सा पढ़ लोगे अपने आप क्या बोली थी जेआर हिक्स ने, कि कंज्यूमर रैशनल है, यूटिलिटी ऑर्डिनल है, ये आपको बता ही चुका। कंज्यूमर की मोनोटॉनिक प्रेफरेंस है, प्राइस फिक्स रहेगा, इनकम फिक्स रहेगी, ये बेसिक अजम्पशंस है। कंडीशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट, रट लेना अच्छे से, दो कंडीशंस हैं इस अप्रोच में, दो, हाँ दोनों लिखनी है। पहली है इनडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए, यानी कि MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जब बजट लाइन टेंजेंट होती है इनडिफरेंस कर्व के। तो जैसे आप डायग्राम पर देख रहे हो, बजट लाइन है वो हरे रंग की, और तीन अलग अलग इनडिफरेंस कर्व हैं, वन है, टू है, थ्री है, लेकिन जो टू वाला है अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो टू वाले ने ई पॉइंट पे हल्का सा टच करके वो मतलब निकला है, तो वो टेंजेंट है। तो ई पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ए पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं है, बी पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं है, एच पॉइंट तो वैसे ही बजट से बाहर है, वो तो हो गई नहीं। अब एग्जाम में आपको बड़े ध्यान से देखना, ए पॉइंट और बी पॉइंट की स्टोरी जरूर लिखनी है, नहीं तो टीचर नंबर नहीं देगी। और स्टोरी वही सेम है, ए पॉइंट में हम बोलते हैं कि MRS इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY, तो ऐसे में हम कहेंगे कंज्यूमर को गुड एक्स का कंजम्पशन और करना चाहिए जब तक दोनों बराबर ना आ जाए। और सेकंड पॉइंट इसका उल्टा कि MRS इज लेस देन PX अपॉन PY, तो इस केस में हम कहेंगे कि कंज्यूमर को गुड एक्स का कंजम्पशन कम करना चाहिए या वाइस वर्सा गुड वाई को ज़्यादा करना चाहिए जब तक दोनों बराबर ना आ जाए। और फाइनली कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट ई ही होगा, ये हम कॉन्क्लूड करेंगे। तो ये इस पूरी अप्रोच का आपको ध्यान रखना है 6 नंबर के लिए, डेफिनेशन, अजम्पशन, दोनों कंडीशंस, दोनों मेन पॉइंट्स और डायग्राम, शेड्यूल इसमें कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है जी आपका अप्रोच। बाकी क्योंकि इनडिफरेंस कर्व का एक टॉपिक होता है जो इंपॉर्टेंट है, लास्ट है, कि इनडिफरेंस कर्व की तीन प्रॉपर्टी बताओ। तो इनडिफरेंस कर्व की बच्चों तीन प्रॉपर्टीज भी होती हैं। पहली होती है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब इसका रीजन एंड एक्सप्लेनेशन आप बिल्कुल इसी तरह देना जैसे आपको क्लास में लिखवाया था, दो इंडिफरेंस कर्व आपस में काट देना। अब देखो मैथमेटिकली ए और बी का सेटिस्फैक्शन बराबर है क्योंकि वो IC2 पर है, और ए और सी का सेटिस्फैक्शन भी बराबर है क्योंकि वो IC1 पर है। तो ए और बी भी बराबर हैं, ए और सी भी बराबर हैं, तो लॉजिकली बी और सी बराबर होने चाहिए,
क्योंकि मैथ्स तो यही कहती है, लेकिन बी और सी बराबर नहीं है क्योंकि वो अलग अलग पॉइंट्स हैं और अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पर हैं। तो इसी कन्फ्यूजन की वजह से एक प्रॉपर्टी ये बन जाती है कि इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये सिंपल है कि जितना हायर होता है इंडिफरेंस कर्व उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है। तो जैसे यहाँ पर हमने दो इंडिफरेंस कर्व बनाए, IC1 IC2, IC1 पर बिंदी है E, IC2 पर बिंदी है Q, तो आपको E पे ज़्यादा मज़ा है कि Q पे ज़्यादा मज़ा है? सर E पर हमें मिलेंगे देखो 9 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स पर 10 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, जबकि Q पर हमें मिलेंगे 10 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स 10 यूनिट ऑफ गुड वाई। तो ऑब्वियसली आप कौन से पॉइंट को ज़्यादा बेहतर मानोगे? Q को। और Q कौन से इंडिफरेंस कर्व पर है? 2 पर। तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई कि जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हाई होगा उतनी ही ज़्यादा उसका सेटिस्फैक्शन होगा। तो ये आप प्रॉपर्टी लिखना, अंग्रेजी आपको लिखवाई रखी। और तीसरी तो बड़ी सिंपल है, वो पहले पढ़ ही चुके कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर से नीचे आता है। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि जब हम एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो दूसरे को कम करना पड़ता है, और इसकी शेप कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स जैसा आप देख रहे हो। और उसका भी रीज़न आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो डिमिनिशिंग है, मतलब कि MRS डिमिनिशिंग है। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? तो देखो बच्चों, आधे घंटे के अंदर ये पूरा चैप्टर था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। बड़े अच्छे से आप रिवाइज करना, इसकी सारी बारीकियां देखना, लेकिन मुद्दे की बात, एल्फ्रेड मार्शल उसकी दोनों अप्रोच, JR हिक्स की ये वाली अप्रोच, और इसके अंदर की छोटी छोटी बातें, किसका क्या फॉर्मूला है, क्या डायग्राम है, क्या रिलेशंस है, वो सब एक बार आप अच्छे से ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है? आई होप आपको सारी बातें अच्छे से रिवाइज हुई होंगी। बाकी मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके ज़रूर रखना। ऑल द बेस्ट।